कि नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर में, ये अलग जो कंट्री है ये नेपाल है, हम इसको कलर दूसरा लेके बनाते हैं ताकि रेड कलर से आपको समझ में आए। ये जो है ये नेपाल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, और ये एक बफर देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच का एक छोटा देश होता है, बफर देश। तो जब नेपाल में ये नेपाल पहले बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए नेपाल में, इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था। तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं, कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया, कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है, इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहाँ थी सतलज नदी, सतलज नदी, और ये थी तिस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहाँ तक हो गई, ये तिस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तिस्ता एस फॉर सतलज, सतलज से तिस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिशर्स, उस समय तो हम लोग स्वतंत्र थे नहीं, इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिशर्स थे सब इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया। उस युद्ध को कहते हैं एंग्लो नेपाल वार, आंग्ल नेपाल युद्ध। ये युद्ध चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, अंततः अंग्रेजों की जीत हो गई। और 1816 में एक संधि साइन हुआ, उस संधि यानी समझौते का नाम था सुगौली की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधि कब साइन हुई थी, तो देखिए सुगौली की संधि साइन हुई थी 1815 में, याद रखिएगा। और वो इम्प्लीमेंट यानी कब उसको अमल में लाया गया, कब से वो लागू हो गया, तो 1816 से। तो आप 1816 ही याद रखिएगा क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुगौली कहाँ पे है, तो सुगौली बिहार के चंपारण में है, यहीं पे समझौता हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। इस समझौते के तहत कुछ बातें कही गई थी, उसको समझिए। इस समझौते के तहत कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायूं वापस करे, तराई का क्षेत्र वापस करे, सिक्किम वापस कर दे। तो जब ये वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी, अब सतलज से तिस्ता थोड़ी रहेगी जब ये वापस कर देगा। तो तब नेपाल की एक नई सीमा का निर्धारण किया गया जिस पर लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो उस सीमा का नाम क्या है, तो समझते हैं हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध में जब नेपाल की पराजय हुई तो अंग्रेजों ने नेपाल के लिए सीमा का निर्धारण कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो शारदा नदी है, इसी शारदा नदी को ना नेपाल के लोग काली या महाकाली कहते हैं, तो जो महाकाली नदी है वो यहाँ से सीमा बनाएगी पश्चिम से। और इस तरह में मेची नदी, मेची नदी वो नेपाल से ही निकलती है, नेपाल का लास्ट नदी है मेची नदी। ये मेची नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किशनगंज, इधर पे जिला है किशनगंज, किशनगंज में महानंदा नदी से वर्तमान में मिल जाती है। तो ये इधर में महाकाली नदी बॉर्डर बन गया और यहाँ पर मेची नदी बॉर्डर बन गया। इन्हीं के बीच में क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। और नीचे में त्रिवेणी, आप पता होगा बिहार के चंपारण में त्रिवेणी बांध है, तो नीचे में त्रिवेणी नदी, तो ये नीचे का एरिया था, वो विवाद का कारण नहीं है। वर्तमान विवाद का काम महाकाली नदी। तो आप समझ गए, अब बात समझते हैं ये क्या चीज़ है काला पानी और ये लेपुलेख विवाद, इस सब के बारे में। तो इतना समझे, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे, तो हम आपको समझा दिए थे इंडिया नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 के बीच हुआ, सिगौली की संधि चंपारण में है 1816 में, कौन कौन से एरिया वापस करना पड़ा था, गढ़वाल कुमायूं तराई और सिक्किम का एरिया। नदी कौन कौन सी हो गई, महाकाली नदी से लेके, महाकाली नदी यहाँ से और इधर में मेची नदी के बीच में ये हो गया था। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो नेपाल था, पहले का नेपाल की सीमा यहाँ पे क्या थी, सतलज नदी और इधर में तिस्ता नदी। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया नेपाल की सीमा को, नेपाल के सीमा को यहाँ पे ये हो गया आपका नेपाल, नेपाल में इधर बना दिया गया मेची नदी को कि भैया पूरब में आपका मेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी, महाकाली नदी। तो ये सुगौली की संधि के बाद का है। नेपाल कहता है कि भैया हम इसी को मानेंगे, तो विवाद कहाँ से है, इसको मानेंगे, तो समझिए इसके बारे में। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा। विवाद का कारण क्या है, तो उत्तराखंड से हम लोग को
मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करानी थी हम लोग को। तो मानसरोवर यात्रा कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय करते थे। मानसरोवर जाने के लिए हम लोग सिक्किम के यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। इस नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे। यहाँ शंकर जी का स्थान है कैलाश मानसरोवर पर्वत पर, महाकाल। तो यहाँ हम लोग जाते थे जो श्रद्धालु हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इन लोग को उत्तराखंड के रास्ते पहुँचा दें यहाँ पर। यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा, तो यहाँ से क्यों ना पहुँचा दें। आप खुद देखिए कि यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, दूरियां घट जाएंगी। इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से फ्यूचर में जब कभी युद्ध होता है तो हम यहाँ से सेना भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भैया हम यहाँ सड़क बना देते हैं। तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़कें बनेंगी बॉर्डर पे, वो बनाने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। ये सेना के अंडर में एक संस्था है, यही काम करती है। ये क्या करेगी भैया, बॉर्डर पे सड़कें बना। अब विवाद कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर काला पानी में, काला पानी एक जगह का नाम है, काला पानी तक सड़क थी। उस सड़क को आगे बढ़ाकर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया। ये सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर। अब नेपाल कह दिया कि भैया आप ये जो सड़क बनाए हैं 80 किलोमीटर ये हमारे एरिया में है, क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख ये तीनों देशों की सीमा पर है, इधर में नेपाल, इधर में इंडिया, इधर नेपाल, इधर चाइना। तो ये जो आप सड़क बनाए ना, ये सड़क गलत है, ये हमारे एरिया में आप मत बनाइए। नेपाल कह रहा है कि हम सुगोली की संधि को मानते हैं, भारत कह रहा है कि हम भी उसी को मानते हैं। फिर विवाद कैसे हुआ, समझिए ध्यान से। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि नेपाल है, यहां मान के चलिए नेपाल है, ये नेपाल हो गया, और यहां पर उत्तराखंड है, इधर का एरिया ये उत्तराखंड में। जो महाकाली नदी है उसकी 3 शाखाएं हैं, ध्यान से समझिए आप नक्शा को देखिए। जिसको हम ब्लैक कलर से किए हैं ये नेपाल है, और ये जो रेड कलर से बना दिए हैं ये इंडिया का उत्तराखंड राज्य है। अब सुगोली की संधि कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है ये महाकाली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी। दिक्कत इस बात की है कि नदी का उद्गम जो है वो 3 नदियों से मिलकर होता है। एक इधर वाले का नाम है लिम्पिया धुरा, इधर जो है लिम्पिया धुरा, तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पिया धुरा, इधर में हो गया काला पानी, और सबसे लास्ट में है लेपुलेख, सबसे लास्ट में लेपुलेख। इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेख से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, लेपुलेख से। इसलिए लेपुलेख से जब ये शुरू हो रही है तो इधर का पूरा एरिया मेरा हो गया। नेपाल क्या कह रहा है ससुरा, कि जो महाकाली नदी शुरू होती है वो लेपुलेख से नहीं शुरू होती है। नेपाल कहता है कि ये लिम्पिया धुरा से शुरू होती है। लिम्पिया धुरा से जब शुरू होती है तो ये बॉर्डर होना चाहिए, यानी सारा का सारा झमेला ये इसी एरिया के लिए। ये हल्का सा जो एरिया, इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं, ये एरिया से विवाद है। सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों का एरिया, इसका इसका इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। तो इन नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। नेपाल को ये गर्मी कहाँ से है भैया, इतना जुनून जो कभी हमसे आँख मिला नहीं सकता था आज इतना बढ़ के बोलने लगा, समझिए इसके बारे में। तो ये समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी, कहाँ से, काला पानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया, नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पिया धुरा को, काला पानी और लेपुलेख, यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है, इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं आप मानिए क्यों नहीं, ये सुगोली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहाँ से माना जाता है यहाँ पर। अब थोड़ा समझिए नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। नेपाल में अभी जो सरकार है वो सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, जैसे अपने यहाँ भारत में BJP की सरकार है, उसी तरह फिलहाल नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत मैच करती है, दोनों की विचारधारा मैच करते हैं, इसलिए ये चाइना की ओर बहुत बह रहे हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, ये तो समझिए कि एकदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बर्बाद करेगा। चाइना किसी को भी अपने डेफ्ट ट्रैप में बिछा लेता है, यानी कर्जा देकर उनको फंसा लेता है। इतना ना कर्जा दे देता है औकात से ज्यादा कि ये कर्जा चुका नहीं पाते,
उसके बाद कहता है कि मेरा कर्जा लाइए, तो ये कुछ कर नहीं पाते, कहते नहीं है, तो चाइना कहता है तब मेरी बात मानिए। यही चाइना करना चाहता है किनके साथ, नेपाल के साथ। इनको शर्म नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आ रहा है और शर्म भी नहीं आ रही है। कैसे नेपाल चाइना के कहने पर ये सारा विवाद खड़ा किया है। और हद तब हो गया जब कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने क्या कहा, इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल, यानी भारत के लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। सोचिए, भारत के लोग फैला रहे हैं, हद हो गया भाई। हिंदुस्तान ने नेपाल को 2,00,000 टैबलेट दिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, 2,00,000 टैबलेट दिया था नेपाल को पैरासीटामोल का, और वो भी उससे पैसे नहीं लिया था, गिफ्ट में दे दिया था कि भैया आप हमारे पड़ोसी हैं, और अमेरिका को हम लोगों ने पैसे में बेचा था। उस गिफ्ट का नतीजा ये है कि हम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और क्या बोला के पी शर्मा ओली ने कि इंडियन कोरोना इज मोर लिथल, लिथल मतलब होता है खतरनाक, मतलब इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो अमेरिका, इटली और चाइना के वुहान वाले कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। हद है भैया आपका, ये है के पी शर्मा ओली, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझे ना कि लिम्पिया धुरा का मेन विवाद क्या है। लिम्पिया धुरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में आता है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे समझाते हैं और क्या चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक ले सकते हैं। देखिए, जो सड़क बनाया गया है वो सड़क बनाना जरूरी भी था। हमारे जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं, आप उनका स्थिति देखिए, कितने दुर्गम इलाके में जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। और भी आप देखिएगा तो इस एरिया में क्या हालत है सड़क का, आप देखिए कितनी गहरी खाई है, इतनी गहरी खाई में ये लोग, हम लोग की यात्रा करनी पड़ती है। ये मतलब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो श्रद्धालु जाते हैं उन पे, तो ये सड़क बनाना एक तरह से जरूरी भी तो था। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया, देखिए इतना आसानी से सड़क नहीं बनते हैं, ये पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया, और बनने के बाद नेपाल कह रहा है कि भैया ये एरिया हमारा है, आप खाली कर दीजिए। तो थोड़ा हम चाहे अब हम ये समझते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए, हर चीज़ का एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए उसके बारे में, देखिए पहला तो इस मुद्दे को हमें नॉर्मली डेलीगेट बेसिस पे कूटनीतिक तौर पे सुलझा लेना चाहिए। कूटनीतिक मतलब होता है बातचीत करके अधिकारियों के द्वारा इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दोस्त तो बाद में आते हैं, पड़ोसी तो बगल में रहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से ही दोस्त की तरह व्यवहार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया इसीलिए नेपाल को समझाता है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए एक तो हम दिखाते हैं, नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रेलर दिखाया था 2015 में। 2015 में मधेसिया विवाद था, इंडिया के कुछ मधेसिया जाति के लोग नेपाल में बसे हैं, नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था। इंडिया ने भी क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा, नेपाल का जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ ट्रक वगैरह जा सकते हैं, इस रास्ते से ट्रक वगैरह जा सकते हैं, लेकिन ये वाला एरिया पूरी तरह पहाड़ है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है बड़े बड़े, तो चाइना से इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया, वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचें, तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगाह पे उतार देते हैं, और कलकत्ता बंदरगाह से ट्रक के रास्ते इसको नेपाल पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब नेपाल पूरी दुनिया से अगर चाहता है जुड़े, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो भारत या तो चाइना। अब समझिए भारत और चाइना में क्या प्रॉफिट है उसको। अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते, तो ट्रांसपोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिएगा, तो एक किलो आलू अगर 10 रुपया है, तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपया किलो का आलू 12 रुपया किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रक वगैरह का भाड़ा भी जोड़ना है। लेकिन वही आलू जो 10 रुपया किलो अगर आप चाइना की ओर से भेजिएगा, तो ये आलू 250 रुपया किलो हो जाएगा। इतना भयानक इधर मतलब पहाड़ है सबकी, जा ही नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। तो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा। 2015 में भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का ये हाल हो गया कि नेपाल के जहाज़ों के पास पेट्रोल नहीं था। वो नेपाल के प्रधानमंत्री बोले थे कि कोई भी जहाज अगर नेपाल में आता है ना, तो आप वो जहाज का पेट्रोल लेके आइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं बचा हुआ है। ये हाल हो गया है नेपाल का। तो अगर इंडिया ब्लॉकेज लगा देता है तो नेपाल कहीं का नहीं बच पाएंगे। तो नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंक्शन जो है, जिसे वो लिम्फिया दूरा को मान रहा है, हम लेह को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म छोड़ नहीं सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री,
कश्मीर छोड़वे नहीं किए, लोग कूद रहे थे पाकिस्तानी ये वो, लेपुलेख छोड़ेंगे यहाँ पे। इनका भी दिन खराब चल रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप समझदार हैं, आप भी समझते हैं ये सब चीजों के बारे में। तो ये टोटल ट्राई जंक्शन का विवाद था, आप होप आप समझ गए होंगे। काला पानी, तो काला पानी लेपुलेक लिंपियाधुरा ये एरिया जो है ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो नेपाल को इंडिया की कितनी ज़रूरत है आप समझ सकते हैं। और हम लोग ने कभी भी नेपाल का बुरा नहीं चाहा है, इवन हमको नेपाल के बारे में भी सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें नेपाल के गोरखा भाइयों का खून न बहा हो। हमारे जनरल थे मानिकशॉ, बहुत ही बहादुर फील्ड मार्शल, जनरल से भी ऊपर का पद होता है फील्ड मार्शल, इतना ऊपर पद होता है सेना में कि आज तक दो ही लोग को मिला ही, के.एम. करियप्पा और मानिकशॉ। मानिकशॉ ने बोला था कि अगर तुमसे कोई कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है तो समझ जाना वो झूठ बोल रहा है, या तो वो गोरखा सिपाही है। तो भारत में गोरखा सैनिक भी है, तो हमें ये भी देख के चलना है कि नेपाल से अच्छा संबंध बना के रखें ताकि वहाँ से हमारे देश में गोरखा सैनिक आ सके। बहुत ही योद्धा होते हैं और पहाड़ों पर लड़ने के लिए माहिर होते हैं, और कश्मीर में पहाड़ी एरिया में वो बहुत कुशलता से अंजाम दे सकते हैं। कारगिल की लड़ाई में भी वो लोग भाग लिए थे। हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी, एक तो कोरोना का संकट है उस पर से एक नया संकट लेके चले आए, तो इसको भी जल्दी से सुलझा लेंगे नेपाल और भारत के इस रिश्ते को। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको समझा देंगे कि टूर ऑन ड्यूटी क्या चीज़ है, सेना में 3 साल कैसे जाना है, फिर नेपाल से क्या चाइना के साथ अभी जो नया विवाद हो गया है वो क्या चीज़ है, इस सब के बारे में हम समझा देंगे। वीडियो 5-6 दिन से नहीं डाल पाए, एक्चुअली बहुत लॉकडाउन के पीरियड में सबको बहुत सारे काम है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, उन लोग को भी खाना पानी देना रहता है। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप भी वहां जाइए, हर काम छोड़ के वहां जाइए, क्योंकि बार बार अपने देश को सेवा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यही वक्त है कि आप अपने कामों के बीच में से कुछ समय निकाल के उनको भी समय दीजिए। तो जब अब कभी कभी वीडियो रुक जाता है तो आप बात समझिए बाबू, उस काम को भी हम छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा हम उधर बिजी थे इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, अब आ गए हैं, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे, अब सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी जो छोड़े थे या फिर पॉलिटी वगैरह।